subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hello students, now we'll do our next question, that is question number 16. Analysis show that nickel oxide has the formula of Ni0.98O1.00. ये आपको थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देती हूँ Ni0.98O1.00। कोई आपने एनालिसिस किया, वहां पे आपको निकल ऑक्साइड मतलब जिसके अंदर निकल 2+ और ऑक्साइड 2- हो, ठीक है। ये आपके दो केटायन और एनायन है, निकल हमारा केटायन है और ऑक्सीजन जो है हमारा एनायन है। कोई एनालिसिस किया, वहां आपको निकल ऑक्साइड मिला, निकल ऑक्साइड में आपको क्या फॉर्मूला मिला उसका, Ni0.98O1.00। What fractions of nickel exist as Ni2+ and Ni3+ ions? अब ये जो आपको ऑक्साइड मिला उसमें आपको ये बताना है कि इसके अंदर Ni2 पॉजिटिव आयंस और Ni3 पॉजिटिव आयंस की कितनी फ्रैक्शन है, मतलब दोनों आयंस कितनी कितनी फ्रैक्शन में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं फॉर्मूला हमारे पास क्या है, Ni0.98O1.00, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर आप इसे रेशियो में देखो कि जो हमारा Ni है वो 0.98 है और जो हमारा O है वो 1.00। आप इसके पॉइंट हटा दो, इसे पूरी न्यूमेरिक नंबर राउंड फिगर में करोगे तो Ni इज 98 एंड O इज 100, ठीक है। अब आपको पता है कि ऑक्सीजन पे हमारा चार्ज कितना होता है, 2-, 2- चार्ज है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन के आयंस कितने हैं हमारे पास, 100 आयंस पे 2- चार्ज है, तो टोटल 100 आयंस पे टोटल चार्ज कितना हुआ, 100 × -2 मतलब -200। ये हमारा 100 O2 नेगेटिव आयंस पे चार्ज है। अब हमें पता है कि हमारा जो निकल है वो दो में एग्जिस्ट कर रहा है, दो आयंस में, एक 2 पॉजिटिव में और एक 3 पॉजिटिव में। टोटल निकल आयंस कितने हैं, 98, ठीक है। सपोज आपके Ni2 कितने हैं, X, तो Ni3+ कितने रह गए, 98 - X, टोटल आपके 98 है, उसमें से एक हमारे X हो गए, तो दूसरे उसमें से X माइनस करोगे तो आपको उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब आपको चार्ज कैलकुलेट करना है किस पे, Ni2+ पे और Ni3+ पे। तो चार्ज ऑन Ni2+ इज X × 2+ दैट इज 2X और Ni3+ में 98 - X + 3 = 294 - 3X। ये तो था हमारा चार्ज किस पे, Ni2+ पे और Ni3+ पे। अब हमें कहां कहां का चार्ज मिल गया, O2- पे मिल गया, वो कितना हमारा -200, Ni2+ पे मिल गया +2X, Ni3+ पे मिल गया 294 - 3X। हमारा जो कंपाउंड होता है वो न्यूट्रल होता है या चार्ज होता है, ऑब्वियसली न्यूट्रल होता है। क्यों, क्योंकि अगर वो चार्ज होगा तो वो स्टेबल नहीं होगा, न्यूट्रल है, न्यूट्रल मतलब जितना चार्ज है = 0। अब आपने यहाँ पे Ni2+ का चार्ज लिया 2X, फिर Ni3+ का लिया, फिर O2- का, तो आपका टोटल चार्ज न्यूट्रल है ना, = 0। यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई, x इज 94, x आपका था क्या, Ni2+ आयंस आपके कितने हैं, वही x की वैल्यू थी ना जो आपने यहाँ अज्यूम की थी, ये कि लेट द Ni2+ आयंस बी x, तो आपको कितनी वैल्यू मिल गई Ni2+ की, 94। 98 - 94 मतलब Ni3+ आयंस कितने हैं आपके पास, 4। अब आपको फ्रैक्शन निकालना है किसका, Ni2+ का और Ni3+ का। Ni2+ है कितने, 94, टोटल कितने थे, 98, टोटल Ni आपके पास 98 है, तो फ्रैक्शन है 0.959। सेम Ni3+ में आपके कितने आयंस, 4, जो आपके Ni3+ एक्चुअली है वो 4 और टोटल डिवाइडेड बाय 98, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी आ गई, 0.041, ठीक है। तो इसमें आपके Ni+2 का भी मिल गया और Ni3+ का भी मिल गया जो एग्जिस्ट कर रहा है आपके गिवन फॉर्मूला में, ठीक है।